कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शनिवार को 63वां दिन है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी को मणिपुर से हुई थी। यात्रा 15 राज्यों से गुजरी, जिसके बाद अब ये यात्रा आज अपने अंतिम पड़ाव मुंबई पहुंचेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता यहां राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। 17 मार्च को मुंबई के शिवाजी पार्क में विपक्षी गठबंधन इंडिया फ्रंट की रैली है, जिसमें गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल होंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 16 मार्च को मुंबई पहुंचेगी, जहां यात्रा समाप्त होगी। अपने अंतिम पड़ाव में इस रैली में शामिल होने इंडिया गठबंधन के नेता पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक मुंबई की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी से तेजस्वी यादव, जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, चंपई सोरेन से लेकर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी अपने किसी प्रतिनिधि को यहां पर शामिल होने के लिए भेज सकते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन इंडिया ब्लॉक के प्रमुख नेताओं में शामिल हैं, जो रविवार को मुंबई में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की रैली में शामिल होंगे। साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता भी स्टालिन के अलावा राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी 17 मार्च की रैली का हिस्सा होंगे। ये रैली मुंबई के दादर इलाके में शिवाजी पार्क में आयोजित की जाएगी। राहुल गांधी की यात्रा फिलहाल राज्य के पालघर जिले से गुजर रही है। राहुल गांधी की यात्रा शनिवार दोपहर मुंबई पहुंचेगी, जिसके बाद राहुल गांधी दादर में चैत्य भूमि का दौरा करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान शनिवार यानी कि आज होने वाला है। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का दोपहर 3 बजे ऐलान करेगी। पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 राज्यों से होकर 6,700 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए शुरू की गई थी, जिसमें राहुल गांधी ने 100 लोकसभा सीटों तक कवर किया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि पार्टी इस कार्यक्रम में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी बिगुल फूकेगी। वहीं इस यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आखिरी दिन है। आज शाम को करीब 6:30 बजे राहुल जी चैत्य भूमि में होंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक में जाएंगे और आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समाप्ति होगी। इस पिछले 63 दिनों में हमने 5 न्याय को लेकर हमारी ओर से हमने 25 गारंटियां दी हैं, जो हमारी चुनावी रणनीति भी है। एक तरफ से देखें तो कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के सभी दल इन गारंटियों के आधार पर किसान न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, हिस्सेदारी न्याय और श्रमिक न्याय को लेकर हम चुनाव में उतरे हैं। उस तरफ बीजेपी की ओर से ध्रुवीकरण की रणनीति है, भेदभाव की रणनीति है, विभाजनकारी रणनीति है। पिछले कुछ दिनों में इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सारी जानकारी निकल कर आई है। ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि जैसा एक मोडानी घोटाला था, ये भी ऐसे ही इतना बड़ा घोटाला है।